और जयपुर से गणपति प्लाजा में जो आयकर विभाग का छापा चल रहा है उस खबर की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली इस वक्त हमारे साथ जयपुर के गणपति प्लाजा से जुड़ चुके हैं, जहां पर छापामार की कार्रवाई चल रही है। योगेंद्र, बड़ी मात्रा में कैश मिला है, गोल्ड मिला है, कई तरह के कागजात मिले हैं, फिलहाल जो छापामारी चल रही है और किस तरह के नए खुलासे हुए हैं? देखिए प्रभात, जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है लगातार जारी है और यहाँ बेसमेंट में जिस तरह से गणपति प्लाजा के में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स हैं वहाँ पर अंदर इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो टीम है वो जिस तरह से आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं अंदर मौजूद हैं। और अभी जिस तरह से एक मशीन मंगवाई गई थी नोट गिनने के लिए, वहीं अब दूसरी मशीन मंगवाई गई है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 1.5 करोड़ रुपए की नकदी मिल चुकी है, जिसे काला धन भी कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो अभी उसमें गोल्ड भी मिला है और 3-4 लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग कारोबारी हैं, उनके नाम भी हैं। अब यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है कि ये इतनी बड़ी जो नकदी है उसके इसके अलावा कितने लोग हैं जिनकी ये बेनामी संपत्ति यहाँ पर जो पैसा है काला धन के रूप में यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बड़ी मशीन है उसमें नोट गिने जा रहे हैं। प्रभात, सबसे अहम बात यही है जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं जो सुपर एक्सक्लूसिव चीज़ है, क्योंकि जो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है वो अगर इस तरह से उसे काले धन के रूप में स्टोर करके रखा जाए और बेरोजगारों से छलावा किया जाए और इस तरह की आवाज़ जो हमेशा उठती रही है कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर श्रेय जरूर किरोड़ीलाल मीणा को भी देना चाहिए जो ये अपनी आवाज़ है वो मुखर करते नजर आए और उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ भी पेपर लीक मामले में बुलंद की और फिर से ये जो मामला है उसमें जहाँ ईडी की एंट्री हुई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री हुई और अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है, लगातार यहाँ पर कार्रवाई का जो कहे प्रभात की जो जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बाहर की तरफ हैं और अंदर की तरफ है वो काउंटिंग जो चल रही है, नोट गिनने की जो प्रक्रिया है अब वो यहाँ पर चल रही है। और क्योंकि सबसे अहम ये है कि कब क्या खुलासा होता है कि आगे कितनी और नकदी मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन सामने आप जो डायरेक्ट विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो सबसे बड़ा राजस्थान की जिस तरह से विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने हैं, सियासी जो एक हलचल मची हुई है कि जिस तरह से ईडी और इनकम टैक्स की एंट्री हुई है राजस्थान में, लगातार सुबह से ही आज फिर अलग अलग जो कारोबारी हैं उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड की गई और यहाँ पर जो है पिछले 3-4 दिन से लगातार रुक रुक कर कार्रवाई जारी है और कुछ दस्तावेज भी ऐसे मिले हैं जिनमें कई चीज़ों के खुलासे होने की भी संभावनाएं होती हैं। और जो हमारे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं जिस तरह से बड़ी मशीन मंगवाई गई और उनसे जो नोट हैं वो काउंट किए जा रहे हैं, तो एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि कितना क्या यहाँ पर मिल पाता है, क्या करते हैं कुछ इनकम टैक्स के, देखिए आप सामने देख सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं इनकम टैक्स के सामने जो आ रहे हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। हालांकि रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स हैं उनके लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जिन लोगों के यहाँ पर लोकर्स मिले हैं उन लोगों को भी बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि ये जो जो पैसा यहाँ जो कि उसमें रखा गया है लोकर्स में रखा गया है वो पैसा कहाँ से आया है, उसके आय व्यय का जो ब्यौरा है वो भी देना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ये प्रभात की जो पैसा लोकर्स में रखा जाता है वो बेनामी होता है, उसे काला धन भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतने बड़ी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से कहा था कि लगभग 100 लोकर ऐसे हैं जिनमें प्रभात लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा का काला धन है और 50 किलो से भी ज्यादा का सोना है, वो था। लेकिन अब ये जो लोकर्स हैं प्रभात, केश और सोना उगलने लगे हैं। प्रभात, योगेंद्र फिलहाल लॉकरों के बारे की संख्या के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने लॉकर हैं, कितने खोले जा चुके हैं और जो खोले जा चुके हैं उनमें कितने लॉकर ऐसे हैं जिनमें इस तरह की संपत्ति और इस तरह के दस्तावेज मिले हैं? देखिए प्रभात, अब तक लगभग 3 से 4 से लोकर हैं जिनकी अभी जानकारी मिली है, अलग अलग जिनके नाम मैंने अभी अभी आपको अपडेट भी किए थे उन लोगों को भी अभी देखिए इनकम टैक्स बुलाती है या पूछताछ करती है, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का तो अभी तक खुलासा हो चुका है कि कई लोगों के नाम भी जो कारोबारी हैं, चाहे उसमें राउत मिस्तान भंडार से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं और इसके अलावा जो अन्य ग्रुप से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। और हालांकि जिस तरह से दावा किया जा रहा था लगभग 50 ऐसे लोकर हैं
जो संदेह उत्पन्न करते हैं कि उनमें बड़ी संख्या में काला धन हो सकता है, बड़ी नकदी हो सकती है, और इसके अलावा जो कीमती धातु है वो भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ हीरे जवाहरात या फिर गोल्ड जैसे जो वाइट गोल्ड जैसी चीज़ें हैं वो इसमें हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए जो इनकम टैक्स है वो जब खुलासा करती है पूरी कार्रवाई अपडेट होने के बाद ही करती है, लेकिन अभी जिस तरह से सूत्रों से अलग अलग इसकी डिटेल मिल रही है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें इन इन लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ये भी है कि इसमें बड़े नामों लोग हैं उनके तार भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा इनकम टैक्स के जो ऑफिसर हैं वो अपना यहाँ पर मतलब सूत्रों के अनुसार वो बता भी रहे हैं कि इसमें बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है और जो कार्रवाई है प्रभात आगे भी चलेगी, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और इस तरह से जो जो पैसा है कालेधन के रूप में जो इलीगल पैसा है उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाए तो ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो कार्रवाई है प्रभात जारी है और आगे भी ये कार्रवाई अभी एक दो दिन तक और चल सकती है, क्योंकि जब तक सभी लोकर्स की को पूरी तरह से उनके दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं कर लिया जाता कि क्या किसका पैसा है, क्या इलीगल गलत तरीके से लाया गया पैसा है, या फिर अगर उन लोगों को बुला के पूछताछ की जाती है या वो इसका आय और व्यय का ब्यौरा देते हैं तो वो इस पर कार्रवाई से बच सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये जो लोकर्स वाले लोग हैं वो इनकम टैक्स की रडार पर हैं। प्रभात बिल्कुल योग्य, एक छोटा सा सवाल और, कई लॉकर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो सालों से नहीं खुले हैं, कुछ 1998 में बताए गए थे, कई लॉकर्स ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल से नहीं खुले हैं, उनमें काले धन को लेकर संभावनाएं इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि नोटबंदी हो चुकी है, अगर नोटबंदी में नोट निकलेंगे तो जाहिर तौर पर सारे सारे पुराने नोट निकलेंगे, सालों से ऑपरेट नहीं हुए हैं तो वो भी, ये जो पेपर लीक का मामला था, ये कोई पेपर लीक का मामला पिछले 3-4 साल से काफी चर्चा में है, उससे पहले से अगर ये लॉकर ऑपरेट नहीं हो रहे हैं तो वो तो वैसे ही संदेह से मुक्त हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए 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 प्रभात, इसमें दो चीज़ें हैं, जिस तरह से आरोप किरोड़ीलाल मीणा की भी थे कि लगभग 50 ऐसे लोकर हैं जो लगभग कई सालों से ऑपरेट नहीं हुए, लेकिन 40 ऐसे लोकर हैं जो संचालित हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, यानी वो जो उनका ड्यूअलिटी में जो पैसा मिला था और जिस तरह से उन्होंने जो छत्रपाल सिंह पर आरोप लगाए थे और इसके साथ ही जो गोल्ड मिला था उससे जुड़ा हुआ इसे बता रहे हैं और पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला भी इसे बता रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं तो पिछले 2-3 साल में हुई, अलग अलग